जय हिंद जय शिवराय। मैं हवलदार नारायण सनगर। आज हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक। आज का दिन मराठों का इतिहास का सबसे बढ़िया दिन था जो आज का दिन है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, जब छत्रपति शिवाजी महाराज 13 साल के थे तभी उन्होंने हिंद विश्व राज्य स्थापन करने का निर्णय लिया। जब उन्होंने निर्णय लिया तो 13 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहले 50 लोगों के साथ तोरणा किला लिया। तोरणा किला लेने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज कभी भी रुके नहीं। उन्होंने आगे लड़ाई करते गए और अपना हिंदवी साम्राज्य बढ़ाते गए। ऐसे ही हिंदवी साम्राज्य उन्होंने बढ़ाया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने 44 साल की उम्र में 360 किले लिए थे। मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगा, छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी साम्राज्य ऐसे निर्माण किया कि गरीबों के ऊपर जब अन्याय होता था तो छत्रपति शिवाजी महाराज उस अन्याय के खिलाफ आक्रामक होते थे और उस गरीब को न्याय देने का कार्य करते थे। उसी में से 2-3 उदाहरण आपके सामने मैं पेश करना चाहूँगा। छत्रपति शिवाजी महाराज जब एक लड़ाई के लिए कर्नाटक जा रहे थे और उधर की रानी पल्लम्मा थी, उस पल्लम्मा रानी के जो सैनिक थे वो मराठों को परेशान कर रहे थे, मराठों के घोड़े वगैरह लूट के ले जाने का कार्य कर रहे थे। उस टाइम अपने सगे साले को छत्रपति शिवाजी महाराज ने आदेश दिया कि उस पल्लम्मा रानी का बंदोबस्त करो। वो सरदार, उनका सगा साला उधर चला गया। उस पल्लम्मा रानी को उसने हराया, लेकिन हराने के बाद उसकी नीयत खराब हो गई और उसने उस पल्लम्मा रानी के ऊपर बलात्कार कर दिया। जब विजय होके वापस आ गए, छत्रपति शिवाजी महाराज को पता चला हमने पल्लम्मा रानी को हरा दिया, तो शिवाजी महाराज खुश हो गए। लेकिन उसके बाद उनको एक बात पता चली कि आपके साले ने उस पल्लम्मा रानी के ऊपर बलात्कार कर दिया। ये जब बात उनको पता चली तो छत्रपति शिवाजी महाराज क्रोधित हो गए, अपने सगे साले की आंखें निकालने का आदेश दिया। उसी समय उस आदेश का पालन किया गया और अपने साले की आंखें निकाल दी। अपने साले को भी नहीं छोड़ा गलत होने पर। पनालागढ़ से छत्रपति शिवाजी महाराज रायगढ़ जा रहे थे और बीच में खाना खाने के लिए रुके, और खाना खाने के लिए रुकने के बाद हमारा राजा उधर रुका, उधर बैठा, पेड़ के नीचे बैठ के खाना खा रहा था। उधर एक बुढ़ी औरत आई और राजा को विनती किया कि राजे हमको गर्मी में पानी नहीं मिलता, तो हम क्या करें, हमको पानी की ज़रूरत है राजे। ऐसा सिर्फ बता दिया। उसी समय राजे ने सुना और उस टाइम कुछ भी नहीं बोला और राजे रायगढ़ चले गए। रायगढ़ जाने के बाद उन्होंने अपने कुछ लोग इधर भेज दिए और इधर उस माता के घर के पास ही उन्होंने कुआं खोदा है। वो कुआं 360 साल पुराना कुआं है, वो अभी भी पानी से भरा हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 360 साल पहले उस औरत की बात सुनकर पानी का बंदोबस्त किया था, वो अभी भी पानी उस कुएं में भरा है। ऐसा हमारा राजा था। उसी के साथ साथ छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत सारे गढ़कोट लिए, वो आगरा चले गए। आगरा जाने के बाद औरंगजेब ने उनको कैद करने की कोशिश की, लेकिन उस कैद से भी छूट के वापस आने का कार्य छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। वो छत्रपति शिवाजी महाराज कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं थे। 1659 को जब अफजल खान बिड़ा उठा के विजापुर से निकला था और छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने की कोशिश कर रहा था और मारने के लिए आया था, उसने हिंदू के बहुत सारे मंदिर ध्वस्त कर दिए, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने सोचा था मैं अफजल खान को मारूंगा। 5.5 फुट ऊंची थी छत्रपति शिवाजी महाराज की, अफजल खान की ऊंची 6.5 से 7 फीट थी। बहुत बड़ा आदमी था, उसने बहुत सारे लोगों को मारा था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के पास आया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उससे पहले क्या किया, अफजल खान की पूरी युद्ध नीति को जान लिया। उसी के साथ साथ अफजल खान की ऊंची इतनी है, मेरे पास कौन सा हथियार होना चाहिए, मैं कैसे मारना चाहिए, पूरा जानकारी लेके, पूरा उसका अभ्यास करके छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान को मिलने गए। क्योंकि अफजल खान ने इससे पहले बहुत सारे लोगों को मारा था, वो पहले गला भेंट करता था, उसके बाद वो वार करता था, ये बात छत्रपति शिवाजी महाराज को पता थी। वैसे अफजल खान मेरे को भी गले लगाएगा और मेरे ऊपर वार करेगा, इसलिए उन्होंने खुद एक चिलकत पहना था, सर पर जिरे टोप था, हाथ में कठियार और वाघनख थी, वो लेके छत्रपति शिवाजी महाराज चले गए थे। उन्होंने अपने बाजू में वाघनख और खंजर को छुपा के रखा था। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज थे। जब अफजल खान आया प्रतापगढ़ के नीचे,
अफजल खान की हजारों की फौज उधर आई थी, छत्रपति शिवाजी महाराज के कुछ सैनिक उस जंगल में छुपे हुए थे, और उस जंगल में छुपने के बाद जब प्रतापगढ़ के नीचे अफजल खान के श्यामिने में छत्रपति शिवाजी महाराज गए और जब उनको देखा तो अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज को मिट्टी मारी और ऊपर से कठहरी का वार किया। उसी में से ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना खंजर निकाला और उनके पेट में घुसाया, रात्री बाहर निकालने का कार्य किया। ऐसा था हमारा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज। जब 1674 को कुछ ब्राह्मण लोग उनको मिलने आए थे, एक का नाम था गागा भट्ट। उन्होंने बोला कि हिंदवी स्वराज्य को एक राजा चाहिए, एक छत्रपति चाहिए, इसलिए आपका राज्याभिषेक करना जरूरी है। तब उन्होंने बता दिया, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज नाराज थे क्योंकि उनके अंदर में पनालागढ़ नहीं आया था। तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने इतना ही बोला था, जब तक मैं पनाला किला नहीं लेता तब तक मैं राज्याभिषेक नहीं करूंगा। और अन्नाजी दत्तो और कुछ 60 सैनिक लेके पनाला किले पर हिरोजी फरजत आए और उन्होंने पनाला फोर्ट लेने का कार्य किया। पनाला किला जब हिंदवी स्वराज्य में आया तब छत्रपति शिवाजी महाराज खुश हो गए, लेकिन हमारे जो हिंदवी स्वराज्य के सर सेनापति प्रतापराव गुजर थे वो नेसरी की खिंड में लड़ाई करते करते शहीद हुए थे और छत्रपति शिवाजी महाराज के हृदय को बहुत बड़ा घात हुआ था, नाराज हो गए थे। राजा को अपने स्वराज्य के लिए किसी का बलि जाने के बाद भी अपना कार्य करते रहना चाहिए। ऐसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने कार्य किया। हेनरी ऑक्सिंगटन जो इंग्रेज था वो रायगढ़ पर आया था, 4 महीने रुका था। छत्रपति शिवाजी महाराज की युद्ध नीति उसने जानी थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की कार्य पद्धति उसने जानी थी। उसने अपने डायरी में भी लिखा था रायगढ़ का वो राज्याभिषेक का समय और उनका जो लड़का था छत्रपति शंभू राजे का कार्य भी उन्होंने जाना था। छत्रपति शंभू राजे को 14 भाषाएं आती थी और उन्होंने 14 साल की उम्र में ही बुद्धभूषणम नाम का ग्रंथ लिखा था और राजनीति में वो धुरंधर थे, ऐसी बात भी हेनरी ऑक्सिंगटन ने अपने डायरी में लिखी है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का आज राज्याभिषेक है। आज ही के दिन 6 जून 1674 को हिंदवी स्वराज्य को छत्रपति मिला था, छत्रपति शिवाजी उनका नाम था और रायगढ़ पे पूरे धूमधाम के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होके उनकी मिरणूक निकली थी। आज ही का दिन मराठों के लिए दिवाली का दिन था क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में हिंदवी साम्राज्य को और मराठों को एक राजा मिला था, एक न्यायदाता मिला था। ऐसे राजा को मैं नमन करता हूँ और मैं इधर रुकता हूँ। जय हिंद, जय भवानी, जय शिवराय।